अगर आप लोग अनडाउन का प्लेयर हो तो ये वाला वीडियो आप लोग बिना स्किप करे देखना, बिकॉज ऑफ कि अगर हल्का सा भी अगर मिस करोगे इस वीडियो को तो आप लोग अपना अकाउंट परमानेंटली के लिए लॉस कर जाओगे। अनडाउन एक ऐसा गेम है गाइस जिसमें आप लोग का बरसों का मेहनत होता है, ठीक है, आप लोग का बरसों का प्रोग्रेस होता है। और अगर आपका ये अकाउंट लॉस होता है या फिर डिलीट हो जाए तो आप लोग का कितने महीने का कितने सालों का मेहनत आप लोग का बेकार जाएगा, जिससे आप लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। जी हाँ गाइस, मैं एक बात करने वाला एक बड़े प्रॉब्लम का जो अभी गेम में बहुत ही बंदे फेस कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो वे कैसे आप लोग अकाउंट को अपना सेफ रखना है और जिनका अकाउंट लॉस हो गया उनका भी रिकवरी के लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ गाइस, एक आप लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि अगर आप लोग को आरसी वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, चीपेस्ट प्राइस में मैं दूंगा, जो भी गेम का प्राइस है उससे बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको 1000-2000 रुपया कम में दे दूंगा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी पे टू विन प्लेयर्स हैं आप लोग आ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर्वाइवल पास हो गया या फिर वीकली कार्ड सप्लाई हो गया, मंथली कार्ड सप्लाई हो गया या फिर डेली लिमिट्स, कुछ भी ग्रोथ फंड या फिर कुछ भी आप लोग को बाय करवाना फंड आप लोग इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो के अंदर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों से बहुत सारे प्लेयर्स का जो भी फेसबुक से लॉगिन करे थे, मतलब बाइंड करे थे अकाउंट को, अकाउंट मिल नहीं रहा बिकॉज ऑफ कि उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा, फेसबुक पे एरर शो हो रहा है। और जब भी फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो रहे लॉगिन करने के लिए वहां पे एक एरर मैसेज बड़ा सा शो होता है। और बेसिकली काफी टाइम से बहुत सारे बंदों का कमेंट्स भी आ रहा था कि भाई एवियन भाई मेरा लॉगिन नहीं हो रहा फेसबुक से, इसका कोई सॉल्यूशन बता दो भाई। तो जो टेंसेंट है गाइस अनडाउन पे अब प्रायोरिटाइज नहीं रहा, ठीक है, अनडाउन पे फोकस अब नहीं है। अनडाउन का लिटरली इस पे क्या बग है, क्या ग्लिचेस है, बस अपडेटेड वर्जन मिल रहा है, बस इतना आप लोग गनीमत समझो। जो टेंसेंट है वो अभी अनडाउन से पूरा फोकस अपना हटा लिया बिकॉज ऑफ कि इस गेम से उनको कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रही है, इनफैक्ट वो लोग लॉस में जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई अभी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन लोग खोज भी नहीं रहे, ना वो लोग रिप्लाई दे रहे हैं। इनफैक्ट उनका डिस्कॉर्ड सर्वर मैंने जब विजिट करा हूं तो गाइस काफी टाइम से उनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई अभी तो कुछ कह नहीं सकता ये फेसबुक का लॉगिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, बट आप लोग इससे बच सकते तो आप लोग को इसमें बताऊंगा कि आपको इससे बचना कैसे है। और जिनका फेसबुक प्रॉब्लम हो रहा है गाइस तो उनको उनके लिए एक ही एडवाइस मैं दूंगा कि भाई आप एक काम करो कि डेवलपर को कांटेक्ट करो। डेवलपर को कैसे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे आप लोग आओगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट का आइकन दिखेगा, इसमें आने के बाद आप लोग जाओ यहाँ पे लॉस्ट अकाउंट का क्लेम डालो, ठीक है। आप अपना अकाउंट का डिटेल दो, अकाउंट का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड खेल रहा हो तो उससे बोलना मेरा अकाउंट ओपन कर, फ्रेंड लिस्ट में तो होगा आपका अकाउंट, तो उसे बोलना मेरे अकाउंट को ओपन कर, एक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके भेज दे जिसमें आपको नाम और आईडी सब कुछ रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप अकाउंट पे जाना गाइस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो कि ये लोग प्री बिल्ड मतलब कि पहले से आपको आंसर देंगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन का। अगर फेसबुक वाला यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिख रहा, सिंपल आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ जाएगी, जैसे कि अकाउंट टाइप, ठीक है। तो अकाउंट टाइप अपना सोशल मीडिया अकाउंट कर लेना, क्योंकि जो आपका फेसबुक अकाउंट होता है वो सोशल मीडिया में ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप आप लोग को ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर इशू में डाल देना, क्योंकि आपका अकाउंट डिलीट नहीं हुआ, चेंज भी नहीं हुआ, वेरिफिकेशन कोड रिलेटेड भी नहीं, तो अदर इशू में यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद कैन यू लॉग इन इन द गेम, तो यहाँ पे यस, अगर लॉग इन कर पा रहे हो तो यस करना, नहीं कर पा रहे हो तो नो करना, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट वे से आपको फिल आउट करना होगा, ठीक है। आप लोग अपना सिचुएशन को बताना है क्या है क्या है क्या नहीं है। तो और जिनको नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन में एक टाइटल मतलब कि एक बड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। आप लोग उसको कॉपी करके और जहाँ पे मेरा नाम है वहाँ पे आप लोग रिप्लेस कर लेना, जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट में होगा वहाँ पे आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन डालना एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है स्क्रीनशॉट अकाउंट्स का स्क्रीनशॉट तो आप लोग बेसिकली अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में भी सेम रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके दबा देना है और सबमिट कर देना है। विदिन 24 आवर्स पे आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई आएगा और वो रिप्लाई कहाँ से चेक करना है तो सपोर्ट यहाँ पे हिस्ट्री में आप लोग जाओगे, यहाँ पे अभी नो सर्विस रिकॉर्ड बता रहा है और यहाँ पे आप लोग जब क्लेम करोगे वो तो यहाँ पे वो चीज आपको शो होने वाला है। तो मे बी आई एम नॉट श्योर कि वो लोग हेल्प करेंगे या फिर रिप्लाई देंगे, बट आप लोग को एकदम ट्राई जोर से करना चाहिए अगर आप लोग अपना अकाउंट लॉस कर रहे हो तो, उससे तो बेटर ही होने वाला है। तो चलो गाइस अभी बात करते हैं कि जिनका फेसबुक से बाइंड है गेम और वो अभी भी बिंदास खेल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग इस बात को समझो। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको भी ये प्रॉब्लम अगर कभी भी आप लोग इन फ्यूचर गेम को डिलीट करते हो, जिनका भी फेसबुक से बाइंड है और इन फ्यूचर अगर आप लोग डिलीट करते हो गेम को या फिर अनइंस्टॉल करते हो फिर से इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली आप लोग लॉग इन करोगे फेसबुक से ही और ये प्रॉब्लम आपको भी शो होगा एंड आप अपना अकाउंट को लॉस करोगे। तो इससे बचने का सॉल्यूशन एक मैं आप लोग को बता देता हूँ कि गेम को ओपन कर लेना गाइस। लाइक देखो गेम ओपन हो चुका है
और सिंपल यहाँ पे सेटिंग में चले जाना। मोबाइल में भी सेम इंटरफेस रहता है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल सेंटर आप लोग को दिखेगा। पर्सनल सेंटर में आने के बाद सिंपल पहली चीज तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेवल इनफाइनाइट पास से यहाँ पे देख लेना गाइस, एक बड़ा सा आइकन रहता है लिंक करके का यहाँ पे आइकन रहेगा। इस पे आपको क्लिक करके अपने जीमेल से लिंक कर लेना है, ठीक है। जीमेल से लिंक करोगे तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि जब आप लॉगिन पेज पे आओगे तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे देख लो लेवल इनफाइनाइट पास यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेम ईमेल डाल करके ओटीपी से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे एक पासवर्ड लॉगिन भी देता है, ठीक है। तो आप लोग अपना ईमेल और जो लेवल इनफाइनाइट वाला पासवर्ड डाले हो वो अलग डालना है। ऐसा नहीं कि लेवल इनफाइनाइट मतलब गूगल वाला पासवर्ड डालना, बहुत सारे बंदे यही प्रॉब्लम में फंसते कि अपना जीमेल और पासवर्ड डालते और बोलते ओपन नहीं हो रहा। तो ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करना, लेवल इनफाइनाइट वाला जो आप लोग पासवर्ड बनाए थे वो अलग डालना है। तो ये चीज तो आपको बाइंड करना ही करना है। बेसिकली ये चीज एक सेफ रहता है कि लेवल इनफाइनाइट से आपका अकाउंट जुड़ गया है। बाइंड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिख रहे होंगे, फेसबुक का, यहाँ पे ट्विटर का, उसके बाद एप्पल का, फेसबुक का। तो फेसबुक से तो मेरा लॉग इन नहीं है, जिसका आपका बाइंड है, ठीक है। तो उसमें एक क्रॉस का आइकन रहेगा, ठीक है, इट मीन्स कि वो गूगल से बाइंड है। और जिसमें लिंक का ऑप्शन दिया रहेगा, चैन का आइकन बना है, मतलब कि आपको उसको बाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अभी मेरा फेसबुक से बाइंड नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपका है बाइंड, आपका बाइंड रहेगा तो ऐसा आइकन दिखेगा, ठीक है। बाइंड नहीं है तो ऐसा आइकन दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेरा अनलिंक हो गया, ये गूगल से मेरा अनलिंक हो गया, ठीक है। तो आपको भी अगर फेसबुक से अनलिंक करना चाहते हो तो सेम वे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे गूगल से या फिर किसी चीज से आप लोग करना चाहो तो आप लोग इजी वे से यहाँ पे क्लिक करना अपने जो जीमेल है, एंड उस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे बाइंड कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे बाइंड हो गया। सेम चीज आप लोग अगर एप्पल से बाइंड करना चाहते हो एप्पल से कर सकते हो, और ट्विटर से करना चाहते हो तो ट्विटर से कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज आप लोग कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा गूगल से करो। गूगल कंपनी भाई कहीं नहीं जाने वाली, आप लोगों को साथ हमेशा रहेगी। और गूगल से और लेवल इनफाइनाइट से, यही दोनों चीज से आपको अपने गेम को बाइंड रखना है। बाकी आपका गेम 100% सेफ एंड सिक्योर है, आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है। तो ये सारी चीज आप लोग फॉलो करो। एंड सो सैड कि जिनका फेसबुक से लॉग इन था उनका भी लॉस हो गया अकाउंट, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कुछ भी सॉल्यूशन आती है गाइस, मतलब कि कुछ भी अगर डेवलपर के तरफ से आती है तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। एंड फिलहाल अभी के लिए तो कोई न्यूज इन्फॉर्मेशन नहीं कि भाई फेसबुक से प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सारे बंदे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको भी ट्रेवल अभी करना ही पड़ेगा। तो चलो गाइज, आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल है पहली बार हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर देना गाइज, एंड अपने दोस्तों को भी जो इसे शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग का इतने सालों का प्रोग्रेस चला जाएगा। तो चलो गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।